नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने निकाली रिक्तियां। मुजफ्फरपुर की शाही लीची जल्द ही पहुंचेगी महानगरों में भी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को मिलेगा ज्यादा पौष्टिक आहार। बिहार के गांव में NCC कैडेट सिखाएंगे लोगों को ट्रैफिक रूल। बिहार में अब बढ़ेगी और ज्यादा उमस वाली गर्मी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली रिक्तियां। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या समकक्ष और 30 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ अंग्रेजी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान और 25 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ हिंदी टाइपिंग का भी अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 16 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कावेरी झा की। कावेरी झा एक भारतीय मॉडल, फिल्म अभिनेत्री और एयर होस्टेस है जो हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। झा का जन्म बिहार में हुआ था। उसके परिवार को बहुत आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि उसके पिता एक भारतीय सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने 2005 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में सुश्री व्यक्तित्व पुरस्कार जीता। पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कुछ संगीत वीडियो में दिखाई दी। उन्होंने साजिद खान के साथ एक टीवी शो की भी मेजबानी की। प्रियदर्शन की भूल भुलैया में एक छोटी भूमिका में दिखाई देने के बाद उन्होंने स्क्रीन पर शाइनी आहूजा की पत्नी की भूमिका निभाते हुए हाईजैक 2008 में हिंदी फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय किया लेकिन वो तेलुगु फिल्में थी, जहां पर उन्होंने 2008 में नागरम के साथ श्रीकांत के साथ अपनी शुरुआत की। वो एयर इंडिया और अपने अभिनय करियर के साथ साथ एक एयर होस्टेस होने के साथ साथ काम भी करती हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची जल्द ही पहुंचेगी महानगरों में भी। मुजफ्फरपुर की रस भरी शाही लीची का स्वाद बिहार के साथ साथ अब महानगरों में भी लेने वाले हैं क्योंकि जल्द ही बिहार की लीची दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के माध्यम से 20 मई से बाया दरभंगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद भेजने के लिए शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर ही हाल ही में एयर कंपनी ने बिहार लीची उत्पादक संघ से करार किया है। करार के मुताबिक कंपनी 6 टन लीची रोज इन महानगरों में 40 रुपए प्रति किलो भाड़े के हिसाब से भेजेगी। बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद ने बताया कि दरभंगा से हवाई मार्ग से लीची भेजने से किसान और व्यवसायियों को लाभ की उम्मीद है। दरभंगा एयरपोर्ट से लीची अन्य राज्यों में भेजे जाने से किसान भी खुश है। किसानों ने बताया है कि समय पर लीची बिक जाने से उनकी आमदनी बढ़ेगी। प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध मरम्मती की शुरू हुई तैयारी। बिहार की राजधानी पटना में बाढ़ आने से पहले प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध की मरम्मती की तैयारी शुरू हो गई है। बाढ़ से बचाव के लिए अब राज्य सरकार की तरफ से हर संभव तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग की तरफ से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया। इसके बाद ही अब पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सूची तैयार होने का इंतजार है। पूरे जिले में जहां जहां अब तटबंध की मरम्मत की जरूरत है वहां वहां काम अब पूरा किया जाएगा। इसको लेकर काम भी अब शुरू हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना के ग्रामीण इलाके में मसौढ़ी अनुमंडल के दरधा, पुनपुन, मोरहर, करुआ और भूतही नदी के विभिन्न तटबंधों पर कटाव रोधी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पुनपुन नदी के किनारे रहने वाले गांव सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहीं दरधा और मोरहर नदी के किनारे पर बसे हुए गांव प्रभावित होते हैं। सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर सांसद ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। सहारा इंडिया में कई निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। हाल ही में सहारा निवेशकों के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद ही अब सहारा निवेशकों के मामले पर सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखा है। लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखे पत्र में कहा कि आम जनता जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को भविष्य में पढ़ाई, शादी और अन्य कार्य के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा करते थे, जदयू सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से अनुरोध किया है कि आप अपने स्तर से सेवी के पास जमा सहारा इंडिया का पैसा सभी जिलों के DM के माध्यम से जमाकर्ताओं को दिया जाए ताकि आम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य जरूरी कार्य कर सके। CBI के छापे से बौखलाया परिवार, पोस्टर जारी कर कहा साफ मैं झुकेगा नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक केस में सजायाफ्ता मुजरिम बनते जा रहे हैं तो उनके रेल मंत्री काल के घोटालों का अंबार पीछे नहीं छूट रहा है।
बीते दिन भी ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। इस दौरान ही सीबीआई की टीम ने लालू यादव से भी करीब 6 घंटे की पूछताछ की, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर सरकार पर हमले किए, जिसके तहत ही रोहिणी आचार्य ने कहा कि केस पर केस करने के बावजूद लालू यादव देश बेचवा गिरोह से नहीं डरेंगे। बचपन में लालू जी को जब भैंस नहीं पटक सकी तो यह बिल्ला का पोसुआ तोता क्या बिगाड़ लेगा। इसके साथ ही बीते दिन इस मामले को लेकर राजद की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें लालू जी की तस्वीर के सामने यह साफ लिखा गया है, मैं झुकेगा नहीं। बिहार में पकड़ुआ विवाह के चौंकाने वाले हैं आंकड़े। बिहार में पकड़ुआ विवाह एक बड़ी समस्या है। इसी में अब बिहार में पकड़ुआ विवाह के आंकड़े अब चौंकाने वाले सामने आए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार साल 2020 में राज्य में 33 पुरुष का अपहरण शादी की नियत से किया गया था। इसमें सर्वाधिक 11 मामले पटना जिले में आए थे। 5 अपहरण के साथ मधेपुरा दूसरे और 4 अपहरण के साथ लखीसराय जिला तीसरे स्थान पर था। इसके अलावा समस्तीपुर में 2 जबकि नालंदा भोजपुर सारण बघा वैशाली दरभंगा सहरसा कटिहार बांका शेखपुरा और बेगूसराय में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। राज्य में पिछले 2.5 साल में शादी के इरादे से 50 पुरुषों का अपहरण किया गया। इसमें सर्वाधिक 14 अपहरण के मामले पटना जिले में दर्ज किए गए हैं। हालांकि साल दर साल इसमें कमी आ रही है। शिक्षा के नाम पर भद पिटवा रही सरकार ने 5 साल में शुरू किए इतने मैट्रिक की कक्षाएं। बिहार की नीतीश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में वैसे ही अपनी भद पिटवा रही है। इसी बीच अब शिक्षा के क्षेत्र में ही बिहार की नीतीश सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसका खुलासा हाल ही में यूडाइस की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट में हुआ। यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 की माने तो पिछले 5 साल में CBSE स्कूल की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में 10वीं तक के 5000 CBSE स्कूल थे, ये अब संख्या बढ़कर 10376 हो गई है। वहीं 12वीं के 581 स्कूल है। 12वीं की बात करें तो 2018 में CBSE के 451 स्कूल थे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पिछले 5 साल में मात्र 30 स्कूलों को ही 12वीं की मान्यता मिली है। ज्ञात हो कि हर साल 2 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन निजी स्कूल की कक्षा 1 में होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को मिलेगा ज्यादा पौष्टिक आहार। बिहार में अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा पौष्टिक आहार मिलने वाला है। इस संबंध में ICDS निदेशालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को पोषाहार के रूप में कैलोरी और प्रोटीन भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये बदलाव किए गए हैं। इससे पहले भी बदलाव किया गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार में बदलाव किए गए हैं। अब बच्चों को पहले से ज्यादा पौष्टिक आहार मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल अवधि के दौरान नाश्ता और 2 बार भोजन दिया जाएगा। सप्ताह में प्रतिदिन नाश्ता और खाने में अलग अलग मेन्यू के अनुसार भोजन होगा। खबर के अनुसार बदलते समय के अनुसार पूरक आहार को गतिविधियों में बदलाव किया गया है। बिहार में अब बढ़ेगी और ज्यादा उमस वाली गर्मी। बिहार में गर्मी का कहर अब बढ़ते ही रहने वाला है। बारिश के बाद अब बिहार में गर्मी लोगों का जीना दुश्वार करने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश जिले में सुबह तेज हवा से थोड़ी राहत रही, लेकिन दिन में धूप के साथ उमस बढ़ती जाएगी। ये हालात अगले 48 घंटों तक बने रहेंगे। मौसम विभाग ने कहीं बारिश तो कहीं तेज हवा को लेकर अलर्ट किया है। हालांकि पूर्वानुमान है कि शुक्रवार की शाम तक मौसम में थोड़ी राहत होगी, जिससे उमस में कमी आएगी। हालांकि मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार के 1 या 2 स्थानों पर और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। देर शाम तक यहां बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार के गांव में NCC कैडेट सिखाएंगे लोगों को ट्रैफिक रूल। रोड सेफ्टी को देखते हुए परिवहन विभाग एक के बाद एक नए तरकीब निकाल रहा है, जिससे लोगों को ट्रैफिक नियमों को सही तरीके से समझाया जा सके। इसी को लेकर परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है, जिसके तहत ही लोग रोड सेफ्टी नियमों को समझ सके। इसको लेकर बिहार में रोड सेफ्टी के तहत अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी NCC छात्रों को वैसे जिलों से जोड़ा जाएगा। हालांकि ये बदलाव उन जगहों पर होने वाला है जहां सड़क दुर्घटनाएं कम होने की जगह बढ़ी हुई है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हाल ही में हुई थी, जिसमें ये पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में अब भी लोग सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, यातायात नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना कम नहीं हो रही है। इस कारण ऐसे जिलों में NCC छात्र वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। बिहार सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार की नीतीश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की होड़ में पहले से ही लगी हुई है। इसी बीच अब सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत अब बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अनुरक्षण नीति के तहत समय पर पंप चलाकर और वार्ड के अंतिम घर में पानी पहुंचाया या नहीं पहुंचा, इसकी गवाही महिलाएं देंगी। चालू वित्त वर्ष में ये लागू भी हो गई है। ये नीति हर घर नल का जल योजना को
त्रुटि रहित बनाए रखने के लिए बनी है। हालांकि अभी ये योजना शुरुआती दौर में है, ऐसे में फिलहाल इसका पालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे हर एक वार्ड में लागू किया जाए। इसके लिए अलग से कार्मिक की बहाली नहीं होगी। हालांकि ध्यान रहे कि पंप चलाने के लिए तैनात ऑपरेटर ही ये काम करेंगे। पंप ऑपरेटरों को तैनात करने की जवाबदेही योजना के संवेदक को विभाग की तरफ से सभी पंप ऑपरेटर को एक लॉग बुक दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में इतने हजार स्कूलों ने किया आवेदन। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए पूरे बिहार से 32,361 स्कूलों ने आवेदन किया है। इसमें 20,000 निजी स्कूल और 12,361 सरकारी स्कूल शामिल है। इन स्कूलों का ही मूल्यांकन अब जिला स्तर पर होने वाला है। इसको लेकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जल्द ही टीम बनाई जाएगी। टीम की तरफ से स्कूलों की जाँच होने वाली है। जाँच में सही पाए जाने पर जिला स्तर पर स्कूलों का चयन होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी स्कूलों से 30 अप्रैल तक आवेदन लिए गए हैं। स्कूलों को अपने स्तर पर स्वमूल्यांकन करने के बाद ही आवेदन करना था। स्कूलों द्वारा खुद ही रेटिंग भी देनी थी। जिला स्तर पर स्कूलों का मूल्यांकन 69 बिंदुओं पर किया जाएगा। सभी मानकों पर अलग अलग अंक दिए गए हैं। कुल 100 अंक पर मूल्यांकन किया जाएगा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में दो आरोपितों ने बताए कई नाम। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने कृषि विभाग के सहायक राजेश कुमार और औरंगाबाद निवासी सुधीर कुमार से कई घंटों तक पूछताछ की। दोनों से ही अलग अलग और फिर एक साथ पूछताछ हुई। इनमें दोनों ने कई नए नामों को बताया है, जिसकी जानकारी ईओयू जुटा रही है। सूत्रों के अनुसार परीक्षार्थियों को लीक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और बदले में मोटी राशि वसूलने में दोनों की भूमिका सामने आई है। दोनों के खातों की भी जांच की जा रही है। यूपीआई ट्रांसफर आदि का डिटेल निकाला गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कृषि विभाग में सहायक रहे राजेश कुमार का नाम इससे पहले भी बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग कराने में आया था। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलाका है, जिसे चतुर्भुज स्थान के नाम से जानते हैं। वहां का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। इस क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर चार भुजाओं वाले भगवान का मंदिर है, जिसकी वजह से इस जगह को चतुर्भुज स्थान कहते हैं। सड़क के पूर्वी छोर पर गरीब स्थान मंदिर है। ये भगवान शिव का मंदिर है और सावन में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। 12वीं सदी के मध्यकालीन युग के अपने इतिहास के साथ ये मंदिर लगभग 700 साल पुराना और इस जिले के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग के साथ परिसर में सूर्य, महावीर, भैरव और गणेश भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित है। ये मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में काफी प्रसिद्ध है। बिहार में 10 आरओबी का निर्माण अधर में। जहां एक तरफ नीतीश सरकार सड़कों के जाल बिछाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों की पोल भी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। कहने को तो साल 2019 में ही बिहार के 10 आरओबी को मंजूरी मिली थी। इसको लेकर रेलवे और पथ निर्माण विभाग के साथ भी करार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक आरओबी का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसमें दोनार चौक, डुमराव विक्रमगंज सड़क, हिसवा नवादा पकड़ी बड़ावा सड़क, दरभंगा समस्तीपुर सड़क, दरभंगा कमतौल बसेठा माधवपुर सड़क, SBMTM सोनहो परसा शीतलपुर सड़क, सिवान सिसवन सड़क, कटिहार सोनैली झोवा बलरामपुर सड़क, बारसोई मुकुरिया स्टेशन के बीच कटिहार बलरामपुर सड़क, कटिहार दलन स्टेशन के बीच कटिहार छींटाबाड़ी सोनैली झोवा बलरामपुर सड़क का निर्माण कार्य अधर में है। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षक नियोजन के सातवें चरण की बहाली की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में सीटीईटी और बीटीईटी उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी तक सरकार की तरफ से शिक्षक बहाली को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। अब शुक्रवार यानी बीते दिन से अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि धरने पर बैठे ये सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग पर विचार करे और शिक्षक नियोजन की तारीख की घोषणा करे। संघ की प्रदेश अध्यक्ष विनीता ने बताया है कि वो लोग गांधीवादी तरीके से तब तक सरकार से अपनी मांग करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जल्द शुरू होगी पटना से दिल्ली तक डायरेक्ट बस सेवा। अगर आप भी नियमित रूप से पटना से दिल्ली सफर करते हैं तो आपके लिए आज हमारे पास एक खुशखबरी है। जल्द ही दिल्ली स्थित ISBT आनंद विहार से पटना तक BSRTC के डायरेक्ट बस सेवा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर BSRTC ने हाल ही में दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम को प्रस्ताव भेजने का काम किया है। इस पर BSRTC से बस परिचालन की समय सारणी भी मांगी गई है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि वो सामान्य AC और स्लीपर में से किस तरह से बस चलाना चाहते हैं। इन बसों के चलने से बड़ी संख्या में कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आकर रह रहे बिहार के लोगों को सुविधा होगी। CM आवास में जदयू की हुई हाई लेवल मीटिंग।
सुबह लालू यादव के आवास पर बीते दिन छापेमारी के बाद शाम को मुख्यमंत्री आवास में जदयू नेताओं और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई थी। क्या आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जाएंगे? इस पर सीएम नीतीश के खास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। श्रवण कुमार ने इसको लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान आगे बताया कि बैठक में सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर ही चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री ने सभी से राय जानी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार पर सीएम नीतीश कुमार फैसला लेंगे। आरसीपी सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। अशोक चौधरी ने बताई लालू आवास में रेड की वजह। बिहार के राजनीतिक गलियारे में बीते दिन उस वक्त बवाल मच गया जब ये खबर आई कि लालू यादव के कई आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी है, जिसके बाद क्या था, बयानों का सैलाब उमड़ पड़ा। जहां राजद की तरफ से शिवानंद तिवारी ने इसे साजिश का नाम दिया, वहीं जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने रेड के पीछे की वजह बताई है, जिसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे में जो बहालियां की गई थी उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। सीबीआई को शुरुआती जांच में कुछ साक्ष्य जरूर मिले होंगे, उसके बाद केस दायर करके छापेमारी की जा रही है। छापेमारी को तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात से जोड़कर देखना सरासर गलत है। नीतीश जी भी तो रेल मंत्री रहे हैं, कहां ऐसी कोई इंक्वायरी हो रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर को प्रशांत किशोर ने बताया विफल। कांग्रेस अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए इन दिनों ग्राउंड लेवल में काम कर रही है, जिसके तहत ही पार्टी में क्या क्या खामियां हैं उसकी तलाश में ही चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिस पर ही अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इससे कुछ भी सार्थक हासिल नहीं हुआ। इससे कांग्रेस नेतृत्व को यथास्थिति को लंबा खींचने और कम से कम गुजरात और हिमाचल में चुनाव तक मुद्दों को टालने का मौका मिल गया है। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले ही पीके को कांग्रेस ने अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि मौजूदा भाजपा सरकार को जनता खुद ही उखाड़ फेंकेगी और देश की सत्ता में उनकी वापसी हो जाएगी। सीबीआई की कार्रवाई पर बोले चिराग पासवान। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू यादव के 17 ठिकानों पर बीते दिन सीबीआई की रेड पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या है। अगर इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो डरने की कोई बात नहीं है, इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं निकाला जाना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। हम लोगों ने भी इस मामले पर उनका साथ दिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने 1996 में विश्व से पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की। विश्व के 190 से भी अधिक देश ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2003 में जुनेवा में मंजूरी दी। दार्जिलिंग में अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग की 2010 में जान ले ली गई। भारत के प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्म 1931 में हुआ। भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर का जन्म 1960 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का निधन 1991 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप पर चुटकियों में खुलेगा छोटा बड़ा बिजनेस। अब आप दुकानदार हैं और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों से जुड़ना चाहते हैं और अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप ने आज कई बड़ी घोषणाएं की है। दरअसल मेटा के इनॉग्रल बिजनेस मैसेज कॉन्फ्रेंस कन्वर्सेशन में फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग ऑफरिंग के अपडेट की घोषणा की है। मैसेजिंग ऐप के बिजनेस अकाउंट ऑफरिंग के अपडेट से किसी भी आकार के व्यवसाय के लिए व्हाट्सएप पर शुरुआत करना आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप अब मेटा द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त और सुरक्षित क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज प्रदान करेगा। ये व्यवसायों और डेवलपर्स को कुछ ही मिनटों में व्हाट्सएप पर उठने और चलने की अनुमति देगा। सीएसके को 5 विकेट से मात देने के साथ ही 4 साल बाद राजस्थान पहुंची प्लेऑफ में। आईपीएल 15 के 68वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम 4 साल के बाद प्लेऑफ में पहुंची है। आखिरी बार ये टीम साल 2018 में प्लेऑफ में पहुंची थी। अश्विन ने राजस्थान के लिए मैच विनिंग पारी खेली और सिर्फ 23 गेंद में 40 रन बना दिए। वहीं यशस्वी के बल्ले से 59 रन निकले। चेन्नई के लिए प्रशांत सोलंकी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट दिए। आईपीएल 2022 के पहले क्वालिफायर में राजस्थान का मुकाबला गुजरात से होगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। पहला क्वालिफायर मुकाबला 24 मई को खेला जाएगा।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, गौतम कुमार, अनीता सिंह, सनोज कुमार, मुन्ना कुमार, शंकर मुखिया, ओमकार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, उमेश ऋषिदेव, मोनू कुमार, सचिन गुप्ता, राजीव कुमार, राजकुमार प्रसाद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।